नमस्कार, मैं रुपेश। आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे मुंगेर जिला की। मुंगेर जिला जो कि एक नक्सल प्रभावित इलाका भी है, इस इलाके को गंगा किनारे बसाया गया था और अंग्रेजों का बड़ा वर्चस्व था यहाँ पर। इस मुंगेर जिले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बड़े बड़े किले भी हैं और इस किले की में डीएम का आवास भी है, उसके युगाश्रम भी है। कई सारे ऐतिहासिक स्थल होने के बावजूद मुंगेर कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। आज हम मुंगेर जिला के तह तक जाएंगे और वहाँ के मुद्दों के बारे में बात करेंगे। इस मुद्दों में हम अपने संवाददाता को जोड़ेंगे जिनका नाम है इम्तियाज़ को जोड़ेंगे और उनसे बात करेंगे इसके बारे में कि वहाँ की क्या क्या समस्याएँ हैं, क्या क्या मूलभूत समस्याएँ होंगी। आज जोड़ते हैं उनको और उनसे जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज की, जो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, इस 3 विधानसभा की सीटों में जो सीटें हैं वो है तारापुर, जहाँ से कि मेवालाल चौधरी जदयू से विधायक हैं, जमालपुर से शैलेश कुमार जो कि जदयू से ही विधायक हैं, और मुंगेर से विजय कुमार ये राजद से विधायक हैं। आज बात करते हैं इम्तियाज से और जानते हैं कि वहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं और क्या क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ है। इम्तियाज जी। जी, जैसे कि मुंगेर एक ऐतिहासिक जिला है और इतिहास के पन्नों में जहाँ ये अपना अलग पहचान रखता है, साथ ही साथ ये एक बहुत अहम जिला है, पुराना जिला है, ये काफी बड़ा जिला हुआ करता था। इसे कट करके अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के जिले काफी विकसित हुए हैं, लेकिन ये जिला आज भी विकास की बाट जो रहा है। काम तो हुए हैं लेकिन लोगों का जो डिमांड है वो पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ पर बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो यहाँ पर अभी तक पूरी तरह से फुलफिलअप नहीं हो पाई है। जी, तो ऐसी मूलभूत समस्याओं में जैसे सड़क की हालत कैसी है वहाँ की? जहाँ तक अगर सड़कों की बात करें तो सड़कें कुछ शहर की मुख्य सड़कों को छोड़कर के बाकी सड़कों का हाल बहुत ही बुरा है, जर्जर है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ सड़कों का निर्माण हुआ है। बिजली विकास के मामले में बिजली यहाँ पर रेगुलर मिल रही है। पानी की बात करें तो पानी पे लगभग करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन जल एक बूंद पानी भी लोगों को ये कहिए कि सप्लाई वाटर से अभी तक मिल नहीं पाया है। सिर्फ जिंदल के द्वारा काम किया गया है, पाइपें बिछा दी गई हैं, लेकिन ये काम लगभग 4-5 सालों से चल रहा है लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया। और अगर बात करें रोजगार की, मुंगेर में 3-3 कारखाने हैं लेकिन बावजूद ये अब बंदी के कगार पे हैं, या ये कहिए कि मृत प्राय हो गए हैं। मुंगेर का ITC कारखाना जो मदर फैक्ट्री हुआ करता था, आज की तारीख में मजदूरों की संख्या काफ़ी घट गई है। सारे मजदूरों को जो है वॉलेंटरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है। दूसरी बात करें, मुंगेर का सबसे ऐतिहासिक कारखाना जमालपुर रेल कारखाना है, यहाँ भी जहाँ 3 पालियों में काम हुआ करती थी, काफ़ी पुराना कारखाना है लेकिन अब तक ये निर्माण कारखाना नहीं बन पाया, सिर्फ रिपेयरिंग यहाँ पर हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग का ये शिकार है। यहाँ पर 20,000 मजदूर काम किया करते थे 3-3 पालियों में, आज 4-5,000 मजदूर हैं। तीसरा कारखाना जो आपका है वो बंदूक कारखाना है, जो नवीकरण और आधुनिकता के दौर में काफ़ी पीछे चला गया है। नवीकरण का मामला सुलझा है लेकिन आधुनिकीकरण नहीं होने की वजह करके पुराने ढर्रे पे काम हो रहा है, इसको कोटा नहीं मिलने की वजह करके ये भी आहिस्ते आहिस्ते मित्रप्राय होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर बेरोजगारी बड़ी समस्या है। दूसरा है, यहाँ पर नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सल के कारण भी बहुत सारी योजनाएं प्रभावित होती हैं, लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन इन बेरोजगारी बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर अवैध हथियार निर्माण और उसकी तस्करी बड़ी जोरों पे चल रही है। अभी हाल फिलहाल में भी मुंगेर AK-47 के सप्लाई को लेकर के काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। यहाँ पर पहाड़ पत्थर बंद हो जाने के कारण, मजदूरी बंद हो जाने के कारण, जिसके कारण जो है लोग जो पहाड़ बंद हुआ है उसको लेकर के वहाँ जो मजदूर काम करते थे, सैकड़ों घर का चूल्हा जलता था, वो लोग आहिस्ते आहिस्ते इस धंधे में लिप्त हो गए हैं और कम लागत ज़्यादा मुनाफा होने के कारण ये लोग
बार बार उस काम में कर रहे हैं, सरकार भी इनको मुख्यधारा से अब तक नहीं जोड़ पाई है, ना इससे कोई पहल हो पाया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए रुपेश जी, तो एक बहुत बड़ी समस्या है मुंगेर के लिए। जी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अवैध हथियार का वहाँ कारखाना लगा हुआ है, उस पे शासन और प्रशासन दोनों क्या कर रही है? मतलब पूरी दुनिया, इस पूरे भारतवर्ष में हर जगह पे पता है कि जो मुंगेर में अगर आपको हथियार चाहिए, आपको कट्टा चाहिए, AK-47 चाहिए, कोई भी हथियार अगर आपको चाहिए तो वो हथियार आपको वहां पर बना बनाया मिल जाएगा, वहां असेंबल होता है, वहां पर तैयार किया जाता है, उसके लिए शासन प्रशासन क्या कदम उठाती है? देखिए रुपेश जी, इसमें अगर बात किया जाए तो शासन प्रशासन प्रशासन लगातार इस धंधे पे नकेल कसने के लिए अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सरकारी अमला जो जो कि इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो पहल होनी चाहिए वो आज तक नहीं हुई। ये धंधा राजा मीर कासिम ने लाया था आज़ादी की लड़ाई में, इन लोगों से जो है हथियार बनवा करके आज़ादी की लड़ाई में इन लोगों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आज़ादी समाप्त मिलने के बाद ये कारखाना 34 कंपनियों में, मतलब छोटा कोऑपरेटिव संस्था में बंद कर करके सीमित होकर के रह गया। लेकिन वहाँ भी रोजगार की मार होने की वजह करके वहाँ भी लोग, वहाँ जो बेरोजगार हुए लोग वो बाहर आकर करके प्रशिक्षण करना शुरू कर दिए, जिनके कारण ये। और दूसरा पहलू ये है रुपेश जी कि जो लोग पत्थर वाले जो मजदूर थे, पहाड़ में काम करते थे वो मजदूर, पत्थर तोड़ करके अपना पेट पालते थे, उनको अचानक से रोजगार बंद होने की वजह करके वो इस धंधे में लिप्त हो गए और उसमें सहयोग करते करते आज इतने कुशल कारीगर हो गए कि सीमित साधन में यहाँ के सामान जो है पूरे देश में ये कहा जाए कि मांग है मुंगेर के हथियारों की। और खास करके चुनाव का जब टाइम आता है रुपेश जी, तो मुंगेर की मंडियां जो है अवैध हथियार की मंडियां सजनी शुरू हो जाती है और यहाँ पर देसी कट्टा से लेकर करके बड़े बड़े हथियार तक के डिमांड को यहाँ से पूरा किया जाता है। ये कहा जाए कि मुंगेर से बहुत जगहों पे यहाँ से सप्लाई किया जाता है हथियार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं। इसमें मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा था कि जो ये जो वहाँ की राजनीति जो चलती है, वहाँ की राजनीति का समीकरण कैसा होता है? क्या वो जातीय समीकरण होता है या फिर वो लोग किस तरीके का समीकरण लेके चलते हैं वहाँ पे? विकास का मुद्दा लेके चलते हैं, किस तरीके के मुद्दे को लेके चलते हैं वहाँ पर? देखिए विकास का तो मुद्दा होता है, विकास की बात होती है, सारी बातें होती हैं, लेकिन मामला आकर के वहीं पर खत्म हो जाता है। चेहरे को देख करके जातीय राजनीति होती है, उठापटक होता है और मामला जाकर के टाइटन फिक्स हो जाता है और लोग जातीय राजनीति में आकर करके वोट कर देते हैं, मुद्दा पीछे कर रह जाता है। यही कारण है कि आज जो मुंगेर के गंगा नदी पे रेल से सड़क पुल बना है, आज अप्रोच पथ के का निर्माण कार्य भी चल रहा है, लेकिन टेक्निकल मामले के कारण ये लंबित पड़ा हुआ है। जिला प्रशासन भी उस पर पहल नहीं कर पा रही है, टोपोलैंड का मामला और कई तरह के मामले आके टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये मामला अधर में लटका हुआ है। ये कहिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि जो वहाँ के जो विधायक हैं, विधायक जो मतलब कि शहरी क्षेत्र की बात करूँ तो शहरी क्षेत्र में जैसे विजय कुमार विजय हैं, वो जनता से मुखातिब होते हैं या फिर अपना सत्ता का सुख ही भोग रहे हैं? देखिए जहाँ तक बात है, अगर मुंगेर विधानसभा की विधायक की बात करें विजय कुमार विजय की, जनता से मुखातिब होते हैं, लेकिन जो विधायक वाला दमखम होना चाहिए वो उनमें नहीं है। जिस तरह से विकास का काम होना चाहिए, ये कहा जाए कि अगर चुनाव में अल्टरनेट व्यवस्था, मतलब लोगों के पास विकल्प नहीं था, इस वजह करके राजद को मुंगेर विधानसभा से जिताने का लोगों ने काम किया था कि शायद विकास होगा, लेकिन झाक की टीम पास मामला वहीं आकर के लटक गया। मतलब कहने की बात कि ये हुई कि जो ढाक के तीन पात और बात सिर्फ मुंह से बोल देते हैं, कागज पे बोल देते हैं, लेकिन वो धरातल पे कुछ नहीं आता, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता है। जी इसके अलावा और कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं आप उसके ऊपर में? मतलब कि और क्या जनता की और क्या डिमांड होती है, जनता और क्या मांग रही है वहां पर? जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने बताया था स्वास्थ्य शिक्षा ये जो अहम विषय है, रोजगार अहम विषय है। ये मामले में अगर देखा जाए तो मुंगेर अभी भी अन्य जिलों से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। कहने को तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी दी गई, लेकिन आज यूनिवर्सिटी का 3 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से जो काम होना चाहिए वो भी राजनीतिक पेच में, स्थानीय पॉलिटिक्स में स्पष्ट कर करके जो काम होना चाहिए थे शिक्षा के क्षेत्र में वो भी नहीं हो पाया है। कहने को तो यहाँ पर वानिकी कॉलेज भी दिया गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ना वहाँ पे सड़क सही है,
ना पुल पुलिया का काम वहां पे सही से हुआ, ना शिक्षा का स्तर है। क्या ये स्वास्थ्य के बारे में क्या बताना चाह रहे थे आप, स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वास्थ्य के मामले में हॉस्पिटल वगैरह कैसा है वहाँ पर? जी देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में भी योजनाएं वहाँ से चल करके यहाँ तक आती है, पदाधिकारी यहाँ पर होते हैं, लेकिन हैंड की कमी है। यहाँ पर सदर अस्पताल में कोई अच्छे सिविल सर्जन नहीं है, अच्छे फिजिशियन नहीं है, सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। पुराने जो बैठे मतलब परमानेंट डॉक्टर हैं वो लोग प्राय छुट्टी पे भागे रहते हैं, जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनसे काम लिया जाता है, और जो लोग प्राय यहाँ पर घटनाएं होती हैं, तोड़फोड़ होता है। मैं एक अंतिम सवाल आपसे मैं एक अंतिम सवाल लूंगा। जब बिहार में कोरोना प्रवेश किया था तो वो पहला जिला था मुंगेर, मुंगेर से ही कोरोना का पहला केस आया था, और पटना में बाद में आया, पहले मुंगेर में आया। तो अभी मुंगेर की क्या हालात हैं अभी कोरोना के मामले में? मुंगेर के अगर हालात की बात करें तो अभी 500 से ऊपर केसेस डिटेक्ट किए हैं, जिसमें 397 केस ठीक हुए हैं, और अभी 150 से ऊपर केस जो है अभी भी एक्टिव है यहाँ पर। ये वर्तमान स्थिति है कोरोना की। जिस समय शुरुआती दौर में जो कोरोना आया तो उसमें स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने पूरी तत्परता से काम किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अब उसमें लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसका कारण ये है कि आज फिर मुंगेर में आज से दूसरा लॉकडाउन शुरू हो चुका है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े थे इम्तियाज, और इम्तियाज ने काफी बातों पे अभी प्रकाश डाला। इसमें ये पता चलता है कि मुंगेर जिला, जो कि सच में वहां पर तीन तीन फैक्ट्रियां होने के बावजूद वो अधर में अटका हुआ है, जमालपुर में इतनी बड़ी रेल फैक्ट्री होने के बावजूद वहां पर पत्थरों की कटाई होती थी, वो ITC का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री वहां पर है, जबकि इन सब चीजों के बावजूद वहां पर कोई काम, कई हजारों लोगों को वहां पर रोजगार मिलता था, लेकिन ये सारा कुछ धीरे धीरे राजनीति के पशुपेश में फंसता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मुंगेर जिला दो बातों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। वहां पे अवैध हथियार का मैन्युफैक्चरिंग बहुत तरीके से होता है और पूरे देश में वो सप्लाई होता है। आपको चाहे वो कट्टा चाहिए, चाहे वो AK-47 चाहिए, या किसी तरीके का हाई लेवल के गन चाहिए आपको, वो वहां पे आपको मैन्युफैक्चर होके मिल सकता है। लेकिन मुंगेर जिला के इस अवैध हथियार के कारोबार पर किसी ने अभी तक लगाम नहीं लगाया है, और चुनाव के समय वो अवैध हथियार का बाजार गर्म हो जाता है। बताते चले आपको कि मुंगेर जिला भी एक नक्सल प्रभावित एरिया है। आपको इन सब बातों में मैं कल किसी न किसी विधायक को मुंगेर जिले से जोड़ूंगा और आपको रूबरू कराऊंगा उस विधायक से, उनसे जानेंगे आपने क्या प्रगति की है और अगली बार आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा। तब तक के लिए देखते रहें प्रत्येक न्यूज़ लाइव। नमस्कार।